कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने पीएनआईडी के चार पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पीएनआईडी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि पीएनआईडी प्रिपरेशन में हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए और अगर इनपुट्स अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने पीएनआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे होता है और पीएनआईडी बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में डिस्कस किया। फोर्थ पार्ट में हमने लेआउट एंड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स आपको दिए हैं, मतलब पंप के लिए आपको कैसा पीएनआईडी ड्रॉ करना है, हीट एक्सचेंजर के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद टैंक है, वेसल है, उसके लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हमने फोर्थ पार्ट में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम लेबलिंग एंड एनोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने ये जो भी अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं वो प्रोसेस इंजीनियर का पीएनआईडी डेवलपमेंट में क्या रोल होता है उसके हिसाब से बनाए हैं, इसलिए आपको ये हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ पीएनआईडी तो डिस्कस किया, उसके बाद इनिशियल प्रिपरेशन डिस्कस किया, फॉर्मेट स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस किया, बाद में लेआउट एंड कंपोनेंट्स, और आज के वीडियो में हम लेबलिंग एंड एनोटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम पीएनआईडी का रिव्यू कैसे करना है और उसको अप्रूवल कैसे देना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएनआईडी का फाइनलाइजेशन आपको कैसे करना है, और उसके साथ साथ अगर आपका पीएनआईडी बना के कंप्लीट हुआ है और साइट पे कंस्ट्रक्शन के समय कुछ साइट की क्वेरीज आती है तो आपको पीएनआईडी कैसे अपडेट करना है उसके बारे में हम अपने सेवेंथ पार्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट मतलब एट पार्ट में मैं आपको एक कंप्लीट पीएनआईडी कैसे रीड करना है और अगर आपको ड्रॉ भी करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम एट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेबलिंग एंड एनोटेशन क्या है और हमें वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो भी लेजेंड्स एंड सिंबल शीट है उसका आपके लेबलिंग एंड एनोटेशन में क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद पीएनआईडी का नंबरिंग आपको कैसे करना है, उसके बाद लाइन नंबरिंग कैसे करना है। लाइन नंबरिंग है अलग अलग चीज है, मतलब पाइप साइज क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस और यूटिलिटी सिस्टम कोड आपको क्या कंसिडर करना है, उसके बाद यूनिट सिस्टम कोड क्या है, सिक्वेंस नंबर क्या है, पाइप स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद पाइप स्पेसिफिकेशन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे कि स्टैंडर्ड शेड्यूल कौन कौन से अवेलेबल है, पाइप क्लास क्या होता है, उसके बाद मटेरियल्स आपको कौन कौन से अवेलेबल है, उसके बाद इंसुलेशन टाइप्स क्या है और कैसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसुलेशन थिकनेस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इक्विपमेंट की नंबरिंग आपको कैसे करनी है और इंस्ट्रूमेंट की नंबरिंग कैसे करनी है। इंस्ट्रूमेंट नंबरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BIOS Learn the smarter way. तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं लेबलिंग और एनोटेशन क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ बाइक्स के नाम लिखे हैं और एक बाइक का पिक्चर भी यहाँ पे ऐड किया है। ये भी एक बजाज की बाइक है, अगर आपको इसका नाम याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी बाइक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे बाइक है बजाज पल्सर RS 200, उसके बाद बजाज पल्सर NS 200, उसके बाद बजाज पल्सर NS 160। आप बोलोगे अरे ये केमिकल इंजीनियर पढ़ा रहे हैं या बाइक का प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं देखो, मेरा समझाने का मतलब पहले समझो, आपको इसमें कुछ बातें कॉमन नजर आ रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे बजाज 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 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ तक पल्सर है, उसके बाद यहाँ पे प्लैटिना है, उसके बाद सिटी है और आगे कुछ नंबर्स है। देख रहे हो यहाँ पे एक कॉमन फिलोसफी यहाँ पे फॉलो की गई है। अब इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बजाज क्या है, कंपनी का नाम है। पल्सर क्या है, उन्होंने जो भी नई सीरीज स्टार्ट की थी उसका नाम है। आरएस जो भी है उनके मॉडल का नाम है। और उसके बाद ये 200 क्या है, इंजन का पावर है, मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो 160 सीसी का इंजन है, यहाँ पे 220 सीसी का इंजन है, यहाँ पे 150 सीसी का इंजन है, यहाँ पे 100 सीसी का इंजन है और यहाँ पे 110 सीसी का इंजन है। समझ रहे हो, मतलब कैसे हर एक बाइक को अलग दिखाने के लिए उसका अलग से नाम रखा गया है। कोई नाम ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे नहीं। इसी प्रकार अगर हमारा भी एग्जाम्पल लोगे, हमारे हर एक के नाम सेम है क्या? नहीं। अगर क्लास में दो तीन अक्षय भी होंगे तो हम किसको बुला रहे वो भी समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर और यूनिक नेम होना चाहिए। नहीं तो हम अगर साइट पे बता देंगे जाओ और वहां पे सेकेंड फ्लोर पे एक फ्लो ट्रांसमीटर खराब हुआ है उसको रिपेयर आपको करना है,
अगर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को बताओगे तो क्या इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जाके हर एक FT जाके चेक करेगा कौन सा FT एक्चुअल में खराब हुआ है? नहीं, अगर आप उसको सीधा बता दोगे कि जाओ सेकेंड फ्लोर पे 201 नंबर का एक FT है जिसमें फ्लो इनकरेक्ट शो कर रहा है, तो वो डायरेक्टली वहां पे जाएगा और 201 मतलब जो भी FT है वो डायरेक्टली यहाँ पे रीच वहां पे रीच हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हर एक के लिए कितना आसान होगा, देखो ना, सोच के देखो। इसीलिए इंडस्ट्री में लेबलिंग और एनोटेशन का कंसेप्ट लाया गया, मतलब आप जो भी चीजें आपको चाहिए तो उनका आप करेक्ट मैपिंग कर सको साइट पे हो, या फिर आपको अगर PNID भी एक्सप्लेन करना है तो भी आपके लिए एक कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए, किस डॉक्यूमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, किस इक्विपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, किस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो, ये कैसे समझेगा सामने वाले को। इसीलिए लेबलिंग और एनोटेशन का कंसेप्ट आ गया, समझ रहे हो? चलो उसके बाद अब हम एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, ये हम लेजेंड एंड सिंबल शीट अगर देखते हैं तो उसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन समझ लो आप, यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कुछ नंबर है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या है उसके बारे में ऊपर लिखा गया है। ऐसे ही हर एक लेजेंड्स एंड सिंबल शीट में होता है, जिससे आपको वो नंबर को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको लेजेंड्स एंड सिंबल शीट में उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडस्ट्री में तो है, लेकिन ये आपके लिए नहीं होता, जो भी क्लाइंट होता है या फिर जो भी साइट का पर्सन होता है उसको तो नहीं पता है, तो उसको समझने के लिए ये हम लेजेंड्स एंड सिंबल शीट बनाते हैं। तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहो। हर एक कंपोनेंट क्या होता है ये मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, ओके? चलो सबसे पहले हम देखते हैं PNID का नंबरिंग हम कैसे करते हैं। PNID के नंबरिंग के लिए हम क्या होता है, हर एक PNID के नीचे एक टाइटल ब्लॉक हम मेंशन करते हैं, जो मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। इस टाइटल ब्लॉक में हम PNID का नंबर लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हमें PNID एक दूसरे से कनेक्ट करनी रहती है तो हम कैसे बताएंगे कि इस PNID की जो भी लाइन है वो दूसरे PNID में गई है, तो एग्जैक्टली कौन से PNID में गई है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक PNID का यूनिक नंबर होना चाहिए, ओके? इसलिए हम PNID का नंबरिंग करते हैं। और मतलब अगर PNID का सिक्वेंस चेंज हो गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसलिए भी PNID नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखो, इस PNID के नंबर में हर एक कंपोनेंट क्या क्या आपको बताता है। ये जो भी पहले AB है वो आपको बताता है उस ड्राइंग का साइज क्या है, मतलब PNID के ड्राइंग के साइज जो भी होते हैं वो मेरे जो भी पहला वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद D11 मतलब फ्लो डायग्राम कौन सा है, मतलब इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो तो कैसे रहता है, PFD रहता है, उसके बाद PNID रहता है, यूटिलिटी फ्लो डायग्राम रहता है, उसके बाद HMBD रहता है, ये अलग अलग ड्राइंग रहते हैं। और आप एग्जैक्टली किस ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको डायरेक्टली कोई ये नंबर बता देगा तो आप इस D11 से पता कर सकते हो कि ये क्या है, मतलब PNID है, PFD है, अगर PFD रहेगा तो आप C11 दे सकते हो या फिर D12 दे सकते हो, इस प्रकार से आप नंबरिंग दे सकते हो, ताकि इस ये नंबर देखने के बाद ही आपको पता चले आप कौन से डायग्राम के बारे में बात कर रहे हो, ओके? उसके बाद ये G250 क्या है, G250 मतलब यूनिट का नंबर है, मतलब PNID में जब भी आप PNID बनाते हो तब क्या करना है आपको, जो भी आपका एंटायर प्रोसेस है उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल हैंडलिंग का यूनिट एक बना लिया, उसके बाद प्रोसेस यूनिट बना लिया, उसके बाद यूटिलिटी सेक्शन एक बना लिया, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हैंडलिंग बना दिया, बाद में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक यूनिट बना दिया, और हर एक यूनिट को अलग अलग नंबर दिया। अब देखो यहाँ से आपको कैसे आगे आगे बढ़ना है। देखो सबसे पहले तो आपने ड्राइंग का जो भी साइज है वो फाइनल किया, उसके बाद ड्राइंग का टाइटल फाइनल किया, मतलब ड्राइंग कौन सा है, PFD है, PNID है, वो फाइनल किया। उसके बाद आपने क्या किया, कौन सी यूनिट की PNID है, मतलब एग्जैक्टली आप किस यूनिट के बारे में बात कर रहे हो, और उसके बाद आप यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दे रहे हो। अब ये सीक्वेंस नंबर क्या है, अब आपने अलग अलग यूनिट्स तो बना लिया, यूटिलिटी का एक यूनिट बना लिया, अब यूटिलिटी यूनिट को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आपके लिए मान लो 10 PNIDs लगती है, तो 10 PNIDs के लिए क्या आप एक ही नंबर दोगे? नहीं,
अलग अलग नंबर आप देते हो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो क्या होगा फोर्थ पीएनआईडी, मतलब आप डायरेक्टली फोर्थ पीएनआईडी में जा सकते हो। उसमें जाके कूलिंग टावर कहाँ पे है, डीमिनरलाइजर कहाँ पे, ऐसे ढूंढना ना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। इसलिए ये सिक्वेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में है रिविजन नंबर, मतलब देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो क्योंकि अगर आपको लाइन साइजिंग करना है तो लाइन साइजिंग के लिए पीएनआईडी एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। और मान लो आपका पीएनआईडी चल रहा है R2 रिवीजन का और आपको वो पता ही नहीं है, आपने क्या किया, एक पीएनआईडी आपको मिली, पीएनआईडी का सेट आपको मिल गया और उसके हिसाब से लाइन साइजिंग करना स्टार्ट किया। उसमें कुछ इक्विपमेंट्स ही मिसिंग थे जो कि हमने रिवीजन 1 और रिवीजन 2 में ऐड कर दिए थे, तब उनका आपको कैसे पता चलेगा और आप लेटेस्ट रिवीजन यूज कर रहे हो या आप वेरीफाई कैसे करोगे। इसीलिए यहाँ पे रिवीजन नंबर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे रिवीजन 0 मेंशन करते हो या फिर रिवीजन 2 मेंशन करते हो, तब आगे यूज करने वाला जो भी बंदा है वो क्या करेगा, लेटेस्ट रिवीजन कौन सी है वो चेक करेगा। अगर R2 लेटेस्ट रिवीजन है तो वो R0 रेफर ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपके जो भी मिस्टेक्स है वो कम हो जाएंगे और डिजाइन का टाइम बच जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए ये पीएनआईडी का नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो हम लाइन नंबरिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अब लाइन नंबरिंग अगर आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले क्या है, पाइप साइज क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस और यूटिलिटी सर्विस कोड, उसके बाद यूनिट सिस्टम कोड क्या है, उसके बाद सीक्वेंस नंबर क्या है, उसके बाद पाइप स्पेसिफिकेशन है, इंसुलेशन है और इंसुलेशन का थिकनेस है। ये चीजें हम एक एक करके एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, पाइप साइज। ये पाइप साइज कहाँ से आता है, जब आप पीएनआईडी बनाते हो तब डायरेक्टली आप पाइप साइज नहीं देते हो, तब यहाँ पे क्या करते हो, XX मेंशन करते हो। और जब आप हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस करते हो तब इस XX को जो भी आपका एग्जैक्ट साइज आया है उससे रिप्लेस करते हो। अब देखो यहाँ पे 10 इंच का साइज आ गया है इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच लिख दिया। ये कभी कभी DN में रहता है, DN मतलब नहीं सब मैं ही नहीं बताऊंगा, आप एक काम करो मुझे कमेंट करके बताओ DN क्या रहता है। कभी कभी ना ऐसे लिखा रहता है DN 40, DN 25, ये क्या होता है, DN मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ओके। अब देखो पाइप साइज का कैलकुलेशन करते समय हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्ड जो भी लाइन साइजेस है ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या रहता है, मान लो आपका 4 इंच के लाइन के लिए आपको 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है और 6 इंच के लाइन के लिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही और आप 2.5 तक मेंटेन कर सकते हो, तो आपने क्या किया, 5 इंच की लाइन दे दी वहां पे। अगर 5 इंच की लाइन दे दी ना तो पाइपिंग वाले आपके ढूंढने के लिए आ जाएंगे, 5 इंच की लाइन क्यों दे दी यहाँ पे। क्योंकि देखो 5 इंच की लाइन दे तो सकते हो आप, लेकिन 5 इंच की अगर लाइन देते हो तो 5 इंच लाइन को आपको खुद से फैब्रिकेट करना पड़ेगा, अलग से उस वेंडर को ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमें इतनी 5 इंच की लाइन चाहिए। और सिर्फ लाइन की बात नहीं, मान लो ये जो भी लाइन है वो पंप के डिस्चार्ज से एक इक्विपमेंट तक जा रही है, मान लो इस टैंक तक जा रही है, तो इसके बीच में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके लिए लगने वाले जो भी एक्सपांडर्स है, रिड्यूसर्स है, उसके बाद वॉल्स है, फिटिंग्स है, वो सब भी आपको 5 इंच के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, मतलब अगर आप इंडस्ट्री में देखते हो तो ये स्टैंडर्ड पाइप्स रेडीमेड अवेलेबल रहते हैं, मतलब 1/2 इंच के, 3/4 इंच के, 1 इंच के, 2 इंच के, 3 इंच के, बाद में 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच, यहाँ तक ये स्टैंडर्ड अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बाय भी करना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हो, वेंडर के पास ये अवेलेबल रहता है और वो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। मान लो अगर आप ये जब रोड के साइड के वाटर के लाइन देखते हो ये 60 इंचेस तक रहते हैं, ये कैसे रहता है, वो खुद से बताते हैं वेंडर को हमें 60 इंच की इतनी लाइन चाहिए, आप हमें फैब्रिकेट करके दो। उस हिसाब से उसके जो भी कंपोनेंट्स है, मतलब वॉल्स है, फिटिंग्स है, वो अलग से फैब्रिकेट करके लेते हैं। हमें इंडस्ट्री में 24 इंच तक सफिशिएंट है, इसलिए इतने तक रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। और आपको भी ट्राई करना है कि इसमें से ही लाइन साइज आपको चूज करना है, थोड़ी सी वेलोसिटी कम आप मेंटेन कर सकते हो या फिर थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हो, यही आपका एज ए प्रोसेस इंजीनियर काम है कि आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए कम वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए लाइन साइज थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से, समझ रहे हो। उसके बाद देखो दूसरा टर्म क्या है, CWR, जो है प्रोसेस और यूटिलिटी सिस्टम कोड। ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको क्या यूज करना है करके, देखो आपको उस लाइन से क्या फ्लूइड फ्लो रहा है
ये तो आपको पता है। अब उसका क्या करना है, आपको एक कोड फॉर्म करना है। अगर ये आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो वो लेजेंड शीट में मेंशन रहेंगे, अगर नहीं है तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने डिफाइन किया है वो आपको पता है, जो रिव्यू करेगा बाद में क्लाइंट इन सबको पता नहीं, इसलिए उसको लेजेंड्स एंड सिंबल शीट में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मान लो आपका जो भी फ्लूड है वो इंस्ट्रूमेंट है और उसको आपने क्या किया, आई ए करके डिनोट किया, तब यहाँ पे जो भी लाइन नंबरिंग आप करोगे तब आपका क्या रहेगा, 10 इंच आई ए 12 0107 ए बी सी 06 डी एच आई 50, समझ रहे हो। अगर प्लांट एयर है तो इसको आपसे आपको पीए से रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर कूलिंग वाटर सप्लाई है तो इसको आपको CWS से रिप्लेस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट्स को समझो, आपको ये बातें क्यों करनी है ये पता होना चाहिए, तब जाके आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, ओके, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझाता हूं। अब क्या है, आपने इसको जो भी एक मान लो मिथेनॉल की लाइन है और इसको आपने वाटर का लाइन कंसिडर करके दिया, अब लाइन साइजिंग करते समय वो क्या करेगा, इसको वाटर कंसिडर करके उसकी डेंसिटी मान लेगा, जबकि मिथेनॉल की डेंसिटी अलग है, समझ रहे हो, और तब जाके ये लाइन साइज गलत हो जाएगा, और लाइन साइज गलत हो गई तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो भी आप पीएनआईडी बनाते हो तब आपको जो भी उस आपके लाइन में फ्लूड है उसको करेक्टली मेंशन करना बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद देखो यूनिट सिस्टम कोड क्या है। अब एक अगर प्लांट हम कंसिडर करते हैं तो एंटायर प्रोसेस एक ही इंजीनियर को दिया रहता है क्या, नहीं, जो भी मैनेजमेंट रहता है, प्रोजेक्ट की टीम रहती है, वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करती है, और इंडस्ट्री में भी अगर आप देखते हो तो अलग अलग सेक्शंस बनाए रहते हैं, एक प्रोसेस का सेक्शन रहता है, यूटिलिटी का सेक्शन रहता है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग का एक सेक्शन रहता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैंडलिंग का सेक्शन रहता है, ईटीपी रहता है, वेस्ट हैंडलिंग यूनिट रहता है, और इस प्रकार अलग अलग यूनिट्स रहते हैं। उसी प्रकार आपको जब भी पीएनआईडी बनाने के लिए बोला जाता है तब उसी प्रकार आपको पीएनआईडीज को भी डिवाइड करना है और उसको अलग अलग यूनिट सिस्टम कोड्स देने, मतलब अगर मान लो आप प्रोसेस के लिए 12 यूज करें तो यूटिलिटी के लिए 22 यूज कर सकते हो या फिर 13 यूज कर सकते हो, उसी प्रकार यूटिलिटी के लिए आप 32 यूज कर सकते हो या फिर 14 यूज कर सकते हो, जो मर्जी आपकी 15 यूज कर सकते हो, लेकिन ये बातें उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए, वो आपने क्यों दिया है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि आपने बाइक के एग्जांपल में देखा, उन्होंने वो 200 नंबर या फिर 160 नंबर ऐसे ही नहीं दिया था, वहां पे वो 159 भी दे सकते थे, जैसे कि आपने रिलायंस या फिर जो भी बड़े बड़े मॉल्स रहते उसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहती है, वो क्या करते हैं एंडिंग में 9 लगा देते हैं। कुछ ऐसा किया है क्या उन्होंने, नहीं, उन्होंने क्या है जो भी इंजन का पावर है उसको वहां पे डिफाइन किया, समझ रहे हो। इस प्रकार हर एक चीज का वहां पे सिग्निफिकेंस है और उसी प्रकार आपको यूनिट्स जो भी है उसको डिवाइड करना है और उसको एक नंबरिंग करना है, तब जाके आप जब भी वो नंबर देखोगे तब आपको पता चलेगा, अरे 22 नंबर है क्या, मतलब ये प्रोसेस सेक्शन की पीएनआईडी है, 32 नंबर है क्या, मतलब ये यूटिलिटी सेक्शन की पीएनआईडी, समझ रहे हो, ओके। उसके बाद देखो सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर में क्या है, देखो पीएनआईडी का तो ठीक था, लेकिन जब आप लाइन का नंबरिंग करते हो तब आप यहाँ वहां पे ये अलग फिलोसॉफी एक फॉलो करोगे, क्योंकि आपको कैसे रहता है, आपका मेन पर्पज ही यही है, जिस बारे में आप बात कर रहे हो तो आपको एकदम आइडेंटिफाई होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता चलना चाहिए। इसलिए अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 0107 ऐसा नंबर दिया, यहाँ पे हम 007 भी लिख सकते थे जेम्स बॉन्ड का, लेकिन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है 0107, क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ से क्या बताना चाहते हैं, देखो हमें क्या बताना है, ये जो भी लाइन है वो एक नंबर पे पीएनआईडी पे है और 7 नंबर की लाइन है, मतलब अगर आपको कोई बोलेगा आप एक काम करो 0107 नंबर की लाइन मुझे ट्रेस करके दिखाओ, तब आप पूरी पीएनआईडी ढूंढते नहीं बैठोगे, पूरा पीएनआईडी का सेट नहीं ढूंढोगे कि ये 0107 कहाँ पे होगा, आपको क्या करना है, ये 01 जो है मतलब फर्स्ट पीएनआईडी, डायरेक्टली आपको वहां पे फर्स्ट पीएनआईडी ओपन करना है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता 1423 तब क्या करते आप डायरेक्टली 14 नंबर की पीएनआईडी ओपन करते और उसमें 23 नंबर की लाइन ढूंढते, समझ रहे हो क्या सिग्निफिकेंस है, देखो इसलिए ये नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये कंसेप्ट समझना है, हमें किस प्रकार से नंबरिंग करना है ताकि हमें जो भी बातों के बारे में हमें बात करना है वो समझ में आए, समझ रहे, ओके। उसके बाद देखो पाइप स्पेसिफिकेशन क्या है, पाइप स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है ए बी सी 06 डी, अब
ये एबीसी क्या है? पाइप का मटेरियल है। उसके बाद 06 क्या है? पाइप क्लास है या फिर रेटिंग के प्रेशर रेटिंग। उसके बाद डी क्या है? शेड्यूल नंबर है। अब देखो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड शेड्यूल कौन कौन से अवेलेबल है। आप वहां जाके 15 शेड्यूल की लाइन नहीं दोगे। शेड्यूल का सिग्निफिकेंस आपको पता है ना, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, और अगर हमें जो भी थिकनेस है वो निकालनी है या फिर थिकनेस हमें पीएमएस से पता चलेगी तो इनसाइड डायमीटर हम शेड्यूल नंबर से निकालते हैं, पता है ना। इसलिए अब ये आपको जो भी पाइप स्पेसिफिकेशन है ये आपको पीएमएस में मिलेगा। ओके, पीएमएस करके एक डॉक्यूमेंट रहता है जो पाइपिंग वाले रिलीज करते हैं। आपको बस क्या करना है, जो भी आपका ये फ्लूइड है वो चेक करना है। सीडब्ल्यूआर है तो सीडब्ल्यूआर के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है, और उस हिसाब से आप वो कोड डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन आपको वो कोड क्या है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वहां पे ये डिस्कस करूंगा। ओके, सबसे पहले देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इस ये समझना क्यों जरूरी है वो पहले समझो। क्योंकि आप लाइन साइजिंग करने वाले हो, लाइन साइजिंग करने के लिए आपको शेड्यूल चाहिए, पाइप का मटेरियल कौन सा है वो चाहिए, क्योंकि उसका जो भी फ्रिक्शन फैक्टर है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। इसलिए इस नंबर को ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड शेड्यूल कौन कौन से अवेलेबल है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, 160 है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रांग शेड्यूल है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्ट्रांग शेड्यूल है। ओके, अब देखो इसमें स्टैंडर्ड शेड्यूल कौन सा है हमारा, ये 40 शेड्यूल है। जनरली 40 शेड्यूल यूज करते हैं। ये कहाँ किस पे डिपेंड रहता है, जो भी हमारा प्रेशर है और टेम्परेचर, इसके बेसिस पे ये शेड्यूल हमें क्या यूज करना है वो डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल नंबर के हिसाब से थिकनेस चेंज होता है, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको ज्यादा थिकनेस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर प्रेशर टेम्परेचर कम है तो आप कम थिकनेस से काम चला सकते हो। इसीलिए थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये शेड्यूल नंबर्स है, समझ रहे हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये आपको लाइन साइजिंग में भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कोड को भी डिकोड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पाइप क्लास क्या होता है। अगर पाइप क्लास के बारे में आपको पता करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फिर से देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, 06 लिखा है। कभी कभी ना इसको अल्फाबेट्स भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे, और ये अल्फाबेट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, मतलब ए बी सी ई और डी। इसमें आपको क्या करना है, पहले तीन जो भी नंबर है वो आपका पाइपिंग मटेरियल होगा, जो भी ये नंबर है वो आपका पाइप क्लास रहेगा, और ये शेड्यूल रहेगा। अब देखो ई क्या है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 1500 ये जो क्लास है उसकी पाइप है, समझ रहे हो। यहाँ पे 06 है तो 600 की क्लास, 600 क्लास की पाइप है। इस प्रकार से आपको उसको समझना है, ये क्या मेंशन किया है वो आपको पाइप क्लास का जो भी लेजेंडेशन सिंबल शीट रहेगा उसमें पता चलेगा, या फिर आपके पीएनआईडी का जो भी लेजेंडेशन सिंबल शीट आप बनाओगे उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से पाइप क्लास रहता है। उसके बाद देखो पाइपिंग के मटेरियल क्या है। इंडस्ट्री में अलग अलग पाइपिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, उसका वेट कम है लेकिन वो कॉस्टली है। उसके बाद ब्रास है, ब्रास ब्रिटल है। उसके बाद आयरन है, आयरन का क्या ड्रॉबैक है, वो करोजिव है, उसका वेट ज्यादा है, इसलिए उन्होंने क्या किया उसको कार्बन स्टील बनाया, उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड किया और अलग अलग कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसके अलग अलग ग्रेड्स भी बना दिए, मतलब लो कार्बन स्टील बना दिया, माइल्ड कार्बन स्टील बना दिया, हाई कार्बन स्टील बना दिया। इसमें अलग अलग करोजिव रेजिस्टेंस है और उसमें इसमें कुछ ना कुछ हद तक करोजन होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया उसका हीट ट्रीटमेंट किया और किल्ड कार्बन स्टील बना दिया। लेकिन उसमें भी करोजन हो रहा था तो फिर क्या किया, उसमें 18% क्रोमियम और 8% निकेल ऐड करके स्टेनलेस स्टील बना दिया, और इसका भी कंपोजिशन वैरी करके उसके भी अलग अलग ग्रेड्स बना दिए। मतलब एक ग्रेड है स्टेनलेस स्टील 304, उसके बाद SS304L, SS316, SS316L, SS421, ये अलग अलग ग्रेड्स बना दिए। इस ग्रेड से क्या आपको पता चलता है, इसका भी देखो ये जो भी नंबर है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ेंगे उस हिसाब से जो भी उसका corrosive resistance है वो भी बढ़ेगा। मतलब देखो higher the grade higher the corrosive resistance, okay? उसके बाद जब आप डिजाइन करोगे उस समय जो भी आपका स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है उसके लिए corrosion allowance आप जीरो कंसिडर करोगे। ये कहाँ पे रहता है,
जब थिकनेस कैलकुलेशन रहता है PDI अपॉन 2FJ प्लस P प्लस करोजन अलाउंस, तो उसमें जो भी करोजन अलाउंस है वो आपको जीरो कंसिडर करना है इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील। वो जीरो क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि स्टेनलेस स्टील हम कम्प्लीटली करोजन रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, इसलिए हम करोजन अलाउंस जीरो कंसिडर करते हैं। और ये करोजन अलाउंस पहले तो हम कंसिडर ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखो क्या होता है, हम एक थिकनेस है जो हम एक प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि हमारे डिजाइन प्रेशर और डिजाइन टेम्परेचर, इसके लिए मान लो हमें 10 mm का थिकनेस आ गया और मान लो इसका करोजन हो गया और ये 8 mm हो गया, तब क्या होगा? इतने डिजाइन प्रेशर और डिजाइन टेम्परेचर के लिए फूट जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, पहले से उसको 4 mm का, 2 mm का, 3 mm का करोजन अलाउंस दे देते हैं। और इसको पहले से ही मान लो हम 14 mm बना देते हैं, तब क्या होगा, इसका करोजन होगा, पहले साल करोजन हो गया मान लो 1 mm, तब ये 13 mm का रह जाएगा। उसके बाद दूसरे साल इसका करोजन हो गया तब ये 12 mm का बन जाएगा। तीसरे साल इसका करोजन हो गया तब ये 11 mm का बन जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद भी उसका थिकनेस हमारे डिजायर्ड थिकनेस से कम नहीं होगा और उसको हम सेफली यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमें करोजन अलाउंस कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील के केस में क्या है, उसका करोजन हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो हमें वहां पे करोजन अलाउंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखो एलॉयज हम क्यों यूज करते हैं, जब हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर का केस रहता है उस केस से हम एलॉय मटेरियल यूज करते हैं। उसके बाद पॉलीमर्स, जैसे कि केमिकल डोजिंग है या फिर लो प्रेशर सिस्टम्स है, लो टेम्परेचर सिस्टम्स है, उस केस में हम पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स में क्या है, कंप्लीटली करोजन रेजिस्टेंट है, इसमें करोजन जीरो हम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या मटेरियल्स है, पीवीसी है, एफआरपी है, पीपी है, पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन है, इस प्रकार ये अलग अलग मटेरियल्स है। हर एक मटेरियल अगर आप चेंज करोगे तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा, और फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा तो फिर आपका प्रेशर ड्रॉप चेंज होगा, प्रेशर ड्रॉप चेंज होगा तो आपका लाइन साइज चेंज होगा। इसलिए मटेरियल कौन सा है वो आपको जो भी आपका पाइप क्लास है या फिर पाइप स्पेसिफिकेशन है उससे आइडेंटिफाई करना और उसका करेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर कंसिडर करना लाइन साइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको PNID में इंपॉर्टेंस दिया गया है, समझ रहे हो ना। अगर उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता तो उसके दे ही नहीं देते। और सिर्फ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस मैकेनिकल के लिए भी है, पाइपिंग वालों के लिए भी, क्योंकि उनको BOQ निकालना रहता है, तो BOQ वो PNID के बेसिस पे ही निकालते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो भी लाइन्स है उसका मटेरियल कौन सा है उस हिसाब से कितनी लाइन लगेगी वो कैलकुलेट करते हैं और उसका BOQ निकाल देते हैं। इसीलिए ये जो भी आप पाइप का स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यानपूर्वक करना है, समझ रहे? ओके, उसके बाद देखो इंसुलेशन टाइप क्या है, इंसुलेशन हम क्यों देते हैं। अगर आपने घर में भी देखा होगा कुछ कुछ लाइंस रहती है जहाँ पे ब्लैक, मतलब अगर कूलिंग की लाइंस देखी होगी तो उसमें कैसे रहता है, एक ब्लैक कलर का स्पंज टाइप का मटेरियल रहता है उसपे, वो क्यों रहता है, फाड़कर उसको जो भी हमारी स्लेट रहती है वो पोछने के लिए नहीं, बचपन में हमने भी वही किया है लेकिन उसका मेन पर्पज क्या रहता है, मेन पर्पज उसका रहता है उस लाइन में जो भी कोल्डनेस है वो मेंटेन रहे, समझ रहे हो, इसलिए वहां पे इंसुलेशन दिया रहता है। इंसुलेशन अलग अलग टाइप के रहते हैं, पहले तो रहता है पर्सनल प्रोटेक्शन इंसुलेशन, उसके बाद हॉट इंसुलेशन, उसके बाद कोल्ड इंसुलेशन, एकॉस्टिक इंसुलेशन, हीट ट्रेसिंग का इंसुलेशन। अब देखो पर्सनल प्रोटेक्शन इंसुलेशन आपको कब देना है, जब आपका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, क्योंकि देखो जो आपका नहाने का पानी रहता है उसका टेम्परेचर भी आप 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करते हो उसको, लेकिन आपको कुछ हार्म होता है क्या, नहीं, आपको गर्म लगता है लेकिन उससे कुछ हार्म नहीं होता, तो आप 60 डिग्री सेल्सियस आप उसको रख सकते हो। लेकिन जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तब आपको उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा जाता है और उस पर हाथ रखता है तो उसका हाथ जल जाएगा, इसीलिए उसको आपको पर्सनल प्रोटेक्शन का इंसुलेशन देना है। उसके बाद मान लो उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तब उसको आपको हॉट इंसुलेशन देना है। इस केस में हॉट इंसुलेशन देना है क्योंकि जो भी आपका पर्सनल प्रोटेक्शन का इंसुलेशन रहता है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक ही आपको कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो हॉट इंसुलेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हॉट इंसुलेशन टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है आपको सेफ्टी भी देता है। मतलब लाइन में जो भी टेम्परेचर है, मान लो लाइन से 120 डिग्री सेल्सियस का फ्लूइड जा रहा है और उसको आपको उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तब भी आपको हॉट इंसुलेशन देना पड़ेगा। और अगर उसका टेम्परेचर 120 है और आपको सिर्फ उसको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी देना है तब भी आप उसको हॉट इंसुलेशन देना पड़ेगा, समझ रहे। उसके बाद
अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तब आपको कोल्ड इंसुलेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तब क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उस पर जाके कंडेंस हो जाएंगे, और जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो 30-35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो क्या होगा, उसमें हीट एक्सचेंज हो जाएगा और उस लाइन में जो भी फ्लूड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि आपके प्रोसेस में एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए आपको कोल्ड इंसुलेशन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद ये एकॉस्टिक इंसुलेशन, एकॉस्टिक इंसुलेशन क्यों रहता है, जब आपका नॉइस लेवल है, मतलब जब आप एक इक्विपमेंट कंसिडर करते हो तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, नॉइस होता है, आवाज बनता है, उसमें जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है वो नॉइस क्रिएट करते हैं, अगर उसका नॉइस 85 डेसिबल से ज्यादा है तो आपको वहां पे एकॉस्टिक इंसुलेशन देना जरूरी है, नहीं तो फिर जो भी वाइब्रेशन प्रूफ डिवाइस है वो आपको देने पड़ेंगे, ताकि उसका जो भी नॉइस है वो 85 डेसिबल से नीचे आ जाएगा। ओके, अगर 85 डेसिबल से ऊपर नॉइस जाएगा तो आपको एकॉस्टिक इंसुलेशन देना ही देना है, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए फिर सेफ्टी का इशू बन जाएगा, इसलिए, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, अगर आपके केस में विंटराइजेशन है, विंटराइजेशन मतलब क्या है, जो भी आपका फ्लूइड है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो हो जा रहा है, उसके लिए उसके वजह से आपका फ्लूइड कंडेंस हो रहा है, अगर ऐसा आपके केस में हो रहा है तो आपको वहां पे हीट ट्रेसिंग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइन में वो फ्लूइड है कंडेंस हो जाएगा तो क्या होगा, लाइन में जो भी फ्लूइड है उसको फ्लो होने के लिए पाथ कम बच जाएगा, तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशंस आ जाएंगे, और अगर वहां पे कंडेंस हो गया तो उसमें क्या हो सकता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो वहां पे ही चिपक के रह सकते हैं, उस लाइन का करोजन हो सकता है, समझ लो, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं उसके, वो आपको समझ के लेना है, उसमें क्या फ्लूइड है उस पर डिपेंड रहता है वो, समझ। ओके, उसके बाद देखो इंसुलेशन का थिकनेस आपको कैसे डिफाइन करना है। अब आपने टेम्परेचर के हिसाब से ये तो डिसाइड कर लिया आपको कौन सा इंसुलेशन देना है, अब जो भी आप इंसुलेशन दे रहे हो उस इंसुलेशन की थिकनेस आपको कितनी मेंटेन करनी है, क्योंकि देखो एप्रोप्रिएट थिकनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कम इंसुलेशन दे दी तो क्या होगा, उसमें जिस रीजन के लिए आप इंसुलेशन दे रहे हो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और उस पर आप 5 mm का इंसुलेशन का लेयर दे रहे हो तो क्या होगा, ये भी एक सॉलिड ही है, इसमें भी हीट ट्रांसफर होगा, ये भी गर्म हो जाएगा और इसका डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, इसलिए आपको एक एप्रोप्रिएट इंसुलेशन का थिकनेस होना बहुत जरूरी है, और अगर आपने बहुत ज्यादा दे दिया तब क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्टिमम इंसुलेशन का थिकनेस होना चाहिए। अब देखो ये आपको कैसे डिसाइड करना है, ये डिसाइड करने के लिए इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड चार्ट बनाया गया है, यह आपके इंडस्ट्री में भी अवेलेबल रहेगा, हो सकता है उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्लियर नहीं दिख रही है तो आप भी इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको रीड कैसे करना है, मान लो आपका जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 65 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है और आपके पाइप का साइज है 80 NB, अब इस केस में आपको कितना एमएम का कितने थिकनेस का इंसुलेशन देना है, 25 mm, समझ रहे हो। मान लो आपका टेम्परेचर जो है वो 225, तो ये कहाँ पे आएगा, 201 टू 250 के बीच में, और आपके लाइन का साइज है 125, तो आप क्या करोगे, ये लाइन यहाँ पे नीचे आएगी, ये इधर से आएगा, तब आपको कितना एमएम का थिकनेस देना, कितने थिकनेस का इंसुलेशन देना पड़ेगा, 65 mm, समझ रहे। इस प्रकार आपको जो भी लाइन के लिए थिकनेस आइडेंटिफाई करना है वो आपको यहाँ से डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद देखो ये हो गया लाइन्स के बारे में, अब इक्विपमेंट का नंबरिंग, इक्विपमेंट के नंबरिंग में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट हमें जो भी इक्विपमेंट्स है वो सिर्फ यूनिट के बेसिस से हमें डिफाइन करने हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी ये 12 है यूनिट सिस्टम कोड है, मतलब किस यूनिट में वो इक्विपमेंट है, यूटिलिटी सेक्शन में है, प्रोसेस सेक्शन में है, या फिर रॉ मटेरियल हैंडलिंग सेक्शन में, उस हिसाब से हम वहाँ पे नंबरिंग करेंगे। उसके बाद टीए, टीए मतलब क्या है, टैंक है, अगर वेसल होगा तो वी लिख देंगे, पंप है तो पीए लिख देंगे, इस प्रकार से जैसे भी इक्विपमेंट चेंज होगा तो हम वहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि देखो पंप के लिए अगर आप टीए लिख दोगे तो जिस भी मेंटेनेंस के पर्सन को साइट वाले भेजेंगे तो वो जाके ढूंढते बैठेगा, अरे टीए तो लिखा है और यहाँ पे कुछ टीए का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए आपको जो भी आप नंबर दे रहे हो वो एकदम एक्यूरेट देना है,
अब देखो पंप के लिए आपने पीए लिख दिया, तब वो क्या करेगा, इंस्टॉलेशन करते समय या फिर मेंटेनेंस करते समय डायरेक्टली उस पंप के पास जाएगा, समझ रहे। उसके बाद ये नंबरिंग, ये नंबरिंग भी देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी पीएनआईडी है या फिर यूनिट का अगर आपने नंबर डिफाइन किया, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे ट्राई करो कि 12 से स्टार्ट हो, मतलब ये 12 नंबर के यूनिट में है और उस 12 नंबर के यूनिट में ये पहला पंप है, समझ रहे हो। इस प्रकार से आपको फिलोसॉफी आपको फॉलो करना है। उसके बाद ये आगे जो भी ए बी है ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं कि इसके स्टैंड बाय में एक और एक इक्विपमेंट है, मतलब ये एक ही नंबर है लेकिन इसमें दो इक्विपमेंट के बारे में हम बात करें। पहला इक्विपमेंट है 12TF501A और दूसरा इक्विपमेंट है 12TF501B। अब ये दोनों इक्विपमेंट के लिए अलग अलग साइजिंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में होने वाली है और इनका दोनों का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब सेम रहने वाला है, इसलिए हम इसको एक कॉमन टैग देके उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे और साइट पे मैन्युफैक्चर करते समय या फिर परचेस करते समय सिर्फ सेम स्पेसिफिकेशन के दो इक्विपमेंट बाय करेंगे, समझ रहे हो। इसलिए ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स के लिए ए बी नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलती से सिर्फ ए दे दिया और बी मिस कर दिया तब क्या होगा, प्रोक्यूरमेंट वाले सिर्फ ए परचेस कर देंगे और उनको भी है ऐसा पता ही नहीं है। तब जब साइट पे वो जरूरी रहेगा तब ये जो भी नंबरिंग किया है उसको ढूंढने के लिए साइट वाले आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स वाले आ जाएंगे, प्रोक्यूरमेंट वाले आ जाएंगे। और देखो एक बात आप याद रखो, जब भी कुछ अच्छा चीज होता है ना तो साइट वालों को क्रेडिट जाता है, अगर कुछ भी बुरा होता है और उसका रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए आते हैं ना तो सबसे पहले वो प्रोसेस इंजीनियर पे आता है, क्योंकि प्रोसेस इंजीनियर ही सबसे पहले उस पर काम करना स्टार्ट करता है और कुछ भी गलत होता है ना तो प्रोसेस इंजीनियर के पास ही पहले आते हैं। इसीलिए आपको ट्राई करना है कि आपको कैसे सेफ रहना है, उसके लिए आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए और साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। और मिस्टेक्स भी कैसे, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक्स होगी तो एक बार वो समझ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक अगर आपने कर दी और वो भी उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे अगर इम्पैक्ट करती है तब तो आपको पक्का पकड़ेंगे। इसलिए ध्यान से करना है जो भी, मतलब थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छे से करो, ओके। उसके बाद देखो इंस्ट्रूमेंट नंबरिंग आपको कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट नंबरिंग के लिए भी सेम फिलोसफी। आपको क्या करना है, पहले तो ये 12 मतलब यूनिट सिस्टम कोड है, उसके बाद ये F क्या है और T क्या है ये मेरे अगले स्लाइड में आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद देखो ये 501 क्या है, सीक्वेंस नंबर है। उसके बाद AB, अगर पैरेलल में इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसका AB करके हम नंबर करेंगे, ओके। अब ये FT थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो FT के लिए एक चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, इसमें अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस लिखा है, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लो रेट है, यहाँ पे करंट है, टाइम है, ये अलग अलग जो भी हमें पैरामीटर्स मेजर करने हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, मतलब यहाँ पे लेवल है। ये भी एक स्टैंडर्ड चार्ट है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मान लो अगर आपको यहाँ पे लेवल का ट्रांसमीटर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लगाना है, मतलब जैसे पहले के केस में FT था, मान लो अब आपको लेवल के केस में आपको चूज करना है तो आपको पहले जो भी पर्पस है वो क्लियर रहना चाहिए। अब क्या है आपका पर्पस, जो भी आपका लेवल मेजर करना है वो कैसे रहना चाहिए, वो आपको इंडिकेट भी करना चाहिए और उस लेवल के हिसाब से आप कोई वॉल भी कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये क्या बन गया, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर, समझ रहे हो। लेवल भी चाहिए, उसका इंडिकेटर भी चाहिए और उस लेवल के हिसाब से कोई इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे लेवल देख लिया, इंडिकेटिंग देख लिया, कंट्रोलर देख लिया, अब उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, LIC यूज करना है, समझ रहे हो, ओके। जो जिस केस में FT था उस केस में आपको क्या करना है, LIC यूज करना, समझ रहे, ओके। उसके बाद सिर्फ आपको लेवल इंडिकेटर चाहिए, तब आप क्या करोगे, लेवल चूज करोगे, सिर्फ इंडिकेटर, रीड आउट डिवाइस है ये, सिर्फ आपको रीड करना है, कंट्रोल नहीं कर रहे, इसलिए आपने यहाँ पे LI यूज कर लिया, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्विचेस एंड अलार्म डिवाइसेस, मतलब क्या है, आपको एक लेवल स्विच देना है जो कि आपको लो लेवल का अलार्म दे या फिर हाई लेवल का अलार्म दे या फिर लो और हाई दोनों कंबाइंड का अलार्म दे। आप देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेवल लोगे, उसके बाद
हाई लेवल का आपको अलार्म चाहिए, तो आप यहाँ पे लेवल और हाई लेवल क्या है LCH, लेवल स्विच हाई लेवल अलार्म। उसके बाद लो लेवल के लिए LSL, लेवल स्विच लो लेवल अलार्म। उसके बाद कंबाइंड LSHL, क्या है लेवल स्विच हाई एंड लो लेवल अलार्म। ओके समझ रहे हो ना। ओके अब देखो आपको ट्रांसमीटर चाहिए, जो भी आपका रीडिंग है वो आप DCS में ट्रांसमिट करना चाहते हो, तब आप उसको उस केस में आपको क्या चाहिए लेवल ट्रांसमीटर चाहिए। अब लेवल में गए ट्रांसमीटर्स में गए, सिर्फ आपको वहां पे DCS में लेके जाना है, आपको इंडिकेट नहीं करना है साइट पे, मतलब जो भी आपका पॉइंट है वहां पे इंडिकेट नहीं करना है। तब आप क्या करोगे LTE यूज करोगे। मान लो आपको लोकल इंडिकेशन भी चाहिए, तब आप क्या करोगे LIT यूज करोगे, मतलब लेवल इंडिकेटिंग ट्रांसमीटर, समझ रहे हो। उसके बाद अगर आपको रिकॉर्ड भी करना है, क्योंकि कभी कभी कैसे रहता है आपको जो भी लेवल है उसको बाद में स्टडी करना है, तब आप क्या करते हो उसको रिकॉर्ड करते हो। मतलब किस हिसाब से, मतलब देखो अभी तो कैसे है डाटा एनालिसिस का बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है, और केमिकल इंडस्ट्री में भी ये बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे जैसे हम DCS यूज करते हैं उसमें ना हम सिर्फ मॉनिटर प्लांट मॉनिटर नहीं कर सकते, उसमें उसके साथ साथ हम प्लांट के जो भी रीडिंग्स है वो रिकॉर्ड भी करते हैं। मतलब मान लो आपको लेवल के लिए ऐसे कुछ रीडिंग्स मिलते गए और ये आपको ग्राफ चाहिए, तो आप क्या करोगे उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है, तब उसको एक रिकॉर्डर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे लेवल रिकॉर्डिंग ट्रांसमीटर, समझ रहे हो। तो आपको चाहिए LRT। अब देखो ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, गलती से आपने LRT की जगह सिर्फ LT दे दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पहले समझो। अगर आपने LT दे दिया तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले रिकॉर्डर परचेस नहीं करेंगे, तो उसका कॉस्ट वहाँ पे कम आ जाएगा, तो जब वो BOQ निकालेंगे तो उसमें रिकॉर्डर पकड़ेंगे नहीं वो, और जब साइट पे उनको रिकॉर्डर चाहिए तब वो पहले इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पूछोगे आपने LRT क्यों नहीं लिया यहाँ पे, तो वो क्या बोलेगा PNID में नहीं दिया था, तो आ गया प्रोसेस वालों के पास, समझ रहे। तो प्रोसेस वालों के पास आने के बाद आपको बताना पड़ेगा आपने LRT की जगह LT क्यों ले लिया। अगर आप बोलोगे मिस्टेक हुआ है, तो देखो अब कैसे वहां पे परचेस करेंगे वो लोग, समझ रहे हो। इसलिए हमें एकदम केयरफुली वो करना है। उसके बाद या आगे के जो भी पॉइंट्स है वो आप जब ये डाउनलोड करोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करके रखो और ये रीड करो। कैसे रीड करना है मैंने आपको समझा दिया, इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। ओके चलो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम PNID फाइनलाइजेशन और मेंटेनेंस कैसे करना है, PNID का रिव्यू कैसे करना है, उसको अप्रूवल कैसे देना है, और एक डिटेल PNID रीड कैसे करनी है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक अच्छे प्रोसेस इंजीनियर बनो। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।